ये अच्छा सबसे बेस्ट अच्छा पार्ट था इंटरव्यू का, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि देन यू नो द इंटरव्यूअर टेक्स अस टू डाउन मेमोरी लेन. तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ यू नो अगर जब पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना तो अच्छा लगता है. मतलब ऐसा भी लगता है कि यार हमारी एज काफी हो चुकी है, ये लेकिन बात नहीं लेकिन इट्स है। नशा फोटो स्टूडियो, जहां यादों की रील डेवलप होती है। सलीम सुलेमान, गौर से सुनिएगा, हम कहते हैं यादों की रील डेवलप होती है जब हम फोटो स्टूडियो जाया करते थे, मैट या ग्लॉस फिनिश में डेवलप कराया करते थे। एंड कुछ तस्वीरें हैं जो हमने भी यहाँ पर समेटी हुई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे और आप उससे जुड़ी कहानी बताएं। आप दोनों में से whoever would want to say, कब की है ये तस्वीर, कौन है इस तस्वीर में, क्या हो रहा है तस्वीर, ये रही तस्वीर नंबर वन। ओके, सुलेमान विल से. सो राइट पे सलीम है, लेफ्ट पे मैं हूँ. डैडी का वर्कशॉप है. सलीम शायद 5 साल का था, मैं 8 साल का था. और डैडी का जो वर्कशॉप था वहां पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे. तो रात को हम लोग वहां पर डिनर के बाद जाते थे, जस्ट डैडी को मिले नहीं होते थे तो वर्कशॉप पे जाके मिल लेते थे. और वहीं पे मुझे लगता है ये नवरात्रि का टाइम था जब काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, हायर पे जाते थे, सेल होते थे. तो एक बेस ड्रम के ऊपर हम दोनों बैठ के डैडी ने फोटो निकाली थी. ओह दैट्स अ बेस ड्रम, ड्रम किट के नीचे जो बेस ड्रम होता है ना. या वो आई मीन मतलब व्हेन यू सेड अ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड, आई कैन जस्ट टोटली इमेजिन दैट प्लेस मस्ट बी मैजिक, लाइक अ मंदिर। ओह गॉड, वाओ। तो ये अराउंड कौन से साल होगा, लाइक व्हाट व्हाट? इट वाज आई थिंक 79 मेबी. या 78 78 79 आप लोग जब छोटे थे तो 90. बहुत झगड़ते थे क्या? नहीं, आई ऑलवेज सॉर्टेड पीपल। आपको क्या लग लगता रहा है कि झगड़ रहे थे? इतना अच्छे से प्यार से साथ में बैठे थे हम लोग. वो तो फोटोज के लिए हम सबने परसेंट किया फॉर गुड मार्क्स। वो इनोसेंस के दिन थे. वो टाइम पे चालाकी नहीं होती थी. वो भी देखो, वो अलग बात है, बच्चे हमेशा से चालाक रहेंगे, ठीक है, हम सब ने किया है। चलो, दिस इज द नेक्स्ट वन। सलीम, दिस इज योर्स. ये मैं वेन्यू बता देता हूँ. इट वाज मैं टाइम एंड बोलता हूँ, ताल. इट्स रंग भवन. रंग भवन कॉन्सर्ट था, टाइम एंड ताल. जाकिर भाई, शिवमणि, बिली कॉबम एंड विक्की विनायक राम, चार मतलब अमेजिंग म्यूजिशियंस. एंड जाकिर जी एंड विनायक विक्की विनायक राम एंड एंड बिली कॉबम आर लेजेंड्स ऑफ कोर्स. दे हमने यू नो आवर फादर वाज लाइक ही लाइक सुलेमान सेड, ही वाज अ यू नो ही वाज अ ड्रम मैन्युफैक्चरर, वाज अ परकशन मैन्युफैक्चरर, इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करते थे. और जाकिर भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि बिली कॉबम, जो वर्ल्ड क्लास ड्रमर है, वर्ल्ड फेमस ड्रमर है, उनको एक फ्लोर टॉम टॉम, जो ड्रम होता है साइड पे जो लगते हैं उसको, वो उनको जरूरत थी उनकी. एंड नहीं, यू नो या ही वांटेड अ स्पेसिफिक ड्रम सेट जो या करेक्ट. बॉम्बे में किसी के पास नहीं था, बट ही उनके जो मेरे डैडी के जो दोस्त थे रजनीकांत, और वो मुझे भी सिखाते थे ड्रम्स, उनके पास वो ड्रम किट थी. और उनको उन्होंने कहा था कि मुझे वही ड्रम किट चाहिए, बट आई वांट टू बेस ड्रम्स. तो वो सिंगल बेस ड्रम का था उनके पास. डैडी ने एक एक्स्ट्रा ड्रम, बेस ड्रम बनाया उसके लिए, और वो पूरा ड्रम किट हमने बिली कोबाम के लिए ले गए थे हम लोग, फॉर हिम टू प्ले. एंड सो दैट वाज द इंसिडेंट. एंड जाकिर भाई, मुझे याद है, जाकिर भाई द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर्स एंड तबले के ऊपर, मैंने उनको एक एक चाटी के ऊपर
एक ट्रिगर सेट करके दिया था गोइंग टू एन इलेक्ट्रॉनिक थिंग, तो जाकिर भाई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. क्या बात है, उनका हाल ही में जन्मदिन भी था जाकिर उस्ताद जी. ये एक शो था, मैंने होस्ट किया था इस शो को जिसका नाम था नंबर वन यारी जैम, जहां पर मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और उनको इंटरव्यू करता हूँ और उनसे एक जैम करवाता हूँ. तो इस शो में काफी लोग आए थे. मेरी पहली जो इस शो का जो पहला एपिसोड था वो शुरुआत हुआ था इसका विद सोनू निगम अंशान. और उसके बाद बहुत सारे दोस्त, दो जो दोस्त है जो मेरे दोस्त है उनको मैंने इनवाइट किया था शो पे. तो सुलेमान भी था ऑब्वियसली, सुलेमान एंड नेहा भसीन एंड सुलेमान एंड राज पंडित, यू नो ऐसा कॉम्बिनेशन था. और फिर एक श्रेया सुनीति का एक कॉम्बिनेशन था, रफ्तार और बोहिमिया का एक कॉम्बिनेशन था, अरमान और अमाल का एक कॉम्बिनेशन था, दर्शन रावल और डीजे चेतस का एक कॉम्बिनेशन था, तो उस्ताद जाकिर हुसैन और हरिहरन भाई का एक कॉम्बिनेशन था. तो बहुत अलग अलग काफी एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू इंटरव्यू दीज पीपल. इट वाज वेरी कैंडिड, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था. जैसे आप यू नो शायद ये शो के लिए आपने स्क्रिप्ट किया होगा, पर मैंने नहीं किया था. दिल से मुझे लगता है ये तो मतलब ये आपकी अदा में ये बात है. मुझे तो लग रहा है ना ये तो पता लगा दिया कि मैं स्क्रिप्ट नहीं किया है, कहीं उसके लिए मुझे डांटना पड़ जाए. तो या दिस वाज द शो एंड यू नो बहुत मजेदार शो था, बहुत एंजॉय किया हमने. और यू नो बिकॉज दोस्तों के बारे में ये शो का शो वाज कॉल्ड ओनली नंबर वन यारी जैम, सो इट वाज अबाउट फ्रेंड्स एंड अबाउट म्यूजिक. सिंस उस तस्वीर में एक तरफ यू आर फ्लैंक्ड बाय शान एंड सोनू निगम, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम जो आपको बहुत पसंद है? दोनों मेरे बहुत करीब के बहुत अजीज दोस्त है दोनों, एंड दोनों के साथ मेरा रिश्ता पिछले आई थिंक 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए उनको जानता हूँ मैं. और बहुत काम किया है एक साथ, बहुत पार्टीज की है एक साथ में, बहुत वक्त गुजारा है और बहुत बहुत मस्ती की है मेरे साथ में, बहुत सारी शामें गुजारी है. तो या आई स्पेंड अ रियली आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद देम. वी बीन थ्रू ऑल द एंटायर आवर लाइव्स टुगेदर, सीन द म्यूजिक इंडस्ट्री गो थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस एंड यू नो. And yeah, so it's fun. It's nice to meet with them. And you know, sometimes हम लोग जब मिलते हैं ना तो रात कैसे सुबह हो जाती है समझ नहीं आता, इतनी बातचीत होती है, इतना म्यूजिक होता है, तो it's fun. क्या बात है, क्या बात है. All right, इसी बात पर we just have about two more. Okay. Aha, this is a beautiful memory. तो ये हमने एक एल्बम बनाया था, इट वॉज कॉल्ड रागा रागा, विच वॉज विथ वुडू रैपर एंड चित्रा, हमारी पहली एल्बम थी. और हम बहुत एक्साइटेड थे, यू नो एल्बम अच्छी चली, वीडियो बना था उसका और काफी सारा उसका शोशा हुआ था. और कुछ महीनों के बाद हमें एक फोन आया कि योर सॉन्ग हैज वन द सुपर हिट मुकाबला. उस टाइम पे एक रेडियो शो होता था सुपर हिट मुकाबला, तो सुपर हिट मुकाबला का यू वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द ईयर नॉन फिल्म. और ऑब्वियसली वी गॉट वेरी एक्साइटेड और हमको बोला था कि अवार्ड्स के लिए आना आप. एंड सो आई सेड मुझे चार पासेस चाहिए, कैन यू गेट मी फोर पासेस. So we had gone with mom and dad. Fortunately, both of them were alive at that point, and we had gone for the awards. Aur wo award leke hum jab ghar aaye the, so we got the photograph, and dad was wearing the same thing, mom was wearing the same thing, and Salim and we were also wearing the same clothes. Aur humne socha ki hamare paas memory nahi hai, so we got the photograph laminated, and we took another picture uske samne. So in the back you can see us getting the award. Oh yes, yes. And we are wearing the same clothes. Oh yes. Oh, that's a beautiful memory. Wow. So this ye kab approximately kab hoga ye? I think this was 19. मैं बताता हूँ. It was 1989.
I was probably 18 years old, 17 or 18. Years old. So it was 1990, yeah. 89, 90. Yeah, that's right. Superb. And we end with a very charming picture of the charming brothers. This was in 2005. Same studio mein ye picture li gayi hai. And it's right here. In fact, I was sitting here and Suleiman was sitting there, and Suleiman's friend clicked it from somewhere here in front. And hamare naye studio ke photos nahi the hamare paas. Ha. To khaaskar mere It wasn't a profile shot. It was just we were sitting and talking, and you know he's a good photographer, so he just took a couple of pictures and I liked it a lot, so we used it different places. कमाल और धमाल, बड़ा मजा आया नशा फोटो स्टूडियो पर आप दोनों के साथ. In fact, in this conversation, आपको कैसा लगा वो तस्वीरें देख के? I hope made you feel. ये सबसे बेस्ट पार्ट था इंटरव्यू का, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि देन यू नो द इंटरव्यूअर टेक्स अस टू डाउन मेमोरी लेन. तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ यू नो अगर जब पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना तो अच्छा लगता है. मतलब ऐसा भी लगता है कि यार हमारी एज काफी हो चुकी है, लेकिन इट्स पर यू नो इट्स लाइक इट्स फन बिकॉज़ कुछ 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 चीजें कुछ यादों से जुड़ी होती है, खासकर अपने चाइल्डहुड के साथ में, और पेरेंट्स की जब तस्वीरें आ जाती है सामने तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हम और अच्छा लगता है. सो थैंक यू आदा. थैंक यू यू आर मोस्ट वेलकम. सुलेमान आप बताएं आप कैसा लगा? It was good. It was really good. It was good to go down memory lane. काफी सारी यादें हैं, काफी सारे मोमेंट्स हैं जो ताजा हो जाते हैं जब हम फोटोग्राफ्स देखते हैं पुराने वाले. एंड इट्स गुड टू सी इट लाइक दैट. Yay! It's good to see your life in one moment like this. We're so glad you felt that way, and thank you for your music. जिसके जरिए हम कई यादें जी लेते हैं. That's absolutely timeless, and that makes us feel just so amazing. It's like जैसे खुशबू होती है ना किसी चीज की, मुझे ऐसा लगता है गानों में भी खुशबू होती है. वो याद फिर से ताजा हो जाती है. And especially with both of you and your songs, hats off, lots of love to both of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. All the best for the year. Thank you. Bye.